रहे हैं। और फिर हालत इस पर उस पर तुर्रा ये है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी नाजायज ताल्लुकात रखने वाली खवातीन यानी औरतों को मुकम्मल फ्रीडम और आजादी दे रही है। अगर आप अपने शौहर से संतुष्ट नहीं है, अगर आप अपने शौहर से मुतमईन नहीं है, तो माजल्ला आप गैर महरम के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर सकती है। ये हमारे हिंदुस्तान के आईन ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। पता क्या चला, आज जरूरत है तो किरदार इमाम अर्श मकाम की, आज जरूरत है तो उस तरीके पर चलने की जिस तरीके पर इमाम हुसैन चले थे। मैं करबला सुनाने नहीं बैठा, मगर मैं आपको आईना दिखाने बैठा हूँ। वो दौर जिस दौर के मान बाद ही अगर दुनिया अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को पढ़ती है, तो इतना बड़ा मुहद्दिस इमाम एक से भी रिवायत नकल नहीं करता, किसी एक इमाम से 12 इमामों में से किसी एक इमाम से पूरी बुखारी में आपको कई रिवायत नहीं मिलेगी। दीन तो उनके घर की जागीर थी। जाफर सादिक से रिवायत क्यों नहीं ली गई? इमाम जाफर सादिक से रिवायत क्यों नहीं ली गई?